कम कार है, वेला वेला यार है, ना सहेल। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज ये वेला बंदा वेला पंती करने आ चुका है अपनी अपनी स्प्लेंडर के साथ। तो ये देखिए, तो मेरी स्प्लेंडर मतलब अभी थोड़ा अगले महीने मैंने एक ट्रिप प्लान किया है, जिसकी वजह से मैंने अपनी गाड़ी का टायर चेंज कराया। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि मैंने कौन से टायर लगवाए हैं, क्योंकि मुझे पहाड़ों पे लेके जाना होता है, तो मैंने किस टाइप के टायर लगवाए हैं। तो पहले दिखाता हूँ आपको मैं पीछे वाला टायर। तो पीछे जो मैंने टायर लगवाया है रालको कंपनी का लगवाया है, जो कि इसकी ग्रिप देखो इतनी मोटी है, पहाड़ों में दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार की, क्योंकि हम पहाड़ों पर जाते हैं तो उससे मेन डर होता है पंचर का हम जाते हैं। तो ये सारी दिक्कतें मैंने ख़त्म कर ली है, क्योंकि अगले महीने अपना प्लान है जाने का। तो इस पर जो मैंने टायर डलवाया है 3018 का डलवाया है पिछला टायर, जो कि देखने में बहुत ऑसम लग रहा है। तो जब ये अभी मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा कि चलने के बाद इस टायर में कैसा व्यू आ रहा है। तो चलते आपको आगे का दिखाता हूँ मैं। तो भाई आगे का टायर देखो, आगे मैंने लगाया अपोलो का टायर, क्योंकि इसमें और भी थे MRF के, TVS के, बहुत सारे ब्रांड थे, पर उसमें सबसे अच्छा मुझे ये लग रहा था टायर, और हैवी भी लग रहा था। तो इसमें मैंने डलवाया 80-1818 का टायर डलवाया इसमें। तो ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, एक बार मैं आपको पूरी गाड़ी का वॉक राउंड कराता हूँ कि कितनी प्यारी लग रही है। तो भाई जैसा कि मैंने टायर चेंज कराने का मेरा एक और रीज़न है, क्योंकि ऑफ रोड टायर भी है ये, जैसे कि इसमें सिटी में भी चला सकता हूँ और पहाड़ों में भी चला सकता हूँ। तो बस इससे क्या है कि थोड़ा ना मेरा माइलेज में फ़र्क पड़ेगा, बाकी और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और माइलेज भी ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले सोच रहा था कि इसमें सबसे चौड़े वाले टायर लगवाऊँ, फिर मैंने सोचा कि पहाड़ों पर मैं मतलब उतना नहीं जाता हूँ, मुझे सिटी में भी चलाना रहता है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा हैवी टायर नहीं डलवाया। और पर जो भी डलवाया ठीक टायर है, मतलब जितने भी थे उनसे अच्छा टायर है ये, सिटी में और पहाड़ों में दोनों जगह मैं इसे आसानी से चला सकता हूँ इस टायर को। तो कम से कम उसने मेरे को जिससे मैंने लगवाया उसने कहा 4-5 साल तो कहीं नहीं जाएगा, तो 4-5 साल तो नहीं, मतलब 3 साल तो मेरे हिसाब से कहीं नहीं जाने वाले है टायर। और टायर ही जो मैंने डलवाया है ट्यूबलेस टायर है, क्योंकि आपको पता है हम लंबा जाते हैं तो ट्यूब वाला जो भी टायर होता है पंचर होते ही ख़त्म हो जाता है, तो हमें काफ़ी दिक्कत आती है। तो इसी वजह से मैंने ट्यूबलेस टायर डलवाया गाड़ी में, ताकि अगर पंचर भी होती है तो हम आसानी से इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, फंसे नहीं बीच में। जो ट्रैवल करते हैं उन्हें तो पता ही होगा कितनी दिक्कत आती है। तो मेरे साथ भी कल कुछ ऐसा ही सीन हुआ था, कल मेरी भी गाड़ी पंचर हो गई, तो मेरे को वैसे भी टायर डलवाने ही थे, तो मैंने कहा चलो टायर चेंज करा लेते हैं। तो रही बात टायर के प्राइस की, तो मैं एक और प्राइस भी आपको बता देता हूँ इस वीडियो में आपको, ताकि आपको भी आसानी रहेगी कि एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि अगर आप टायर लगवाने जाते हैं तो आपको मतलब किस रेट तक के पड़ जाएंगे। तो ये जो दोनों टायर पड़े हैं, ये वाला मेरे को 1800 रुपये का बताया था उसने, और वो वाला 1600 रुपये का बताया था, तो टोटल मतलब 3400 रुपये बन रहे थे। तो उसने बस ज़्यादा नहीं 200 रुपये का डिस्काउंट दिया था मुझे, तो ये मुझे 1700 का पड़ा था और वो 1500 रुपये का पड़ा था। तो टायर ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, क्योंकि मैंने 2-3 जगह पहले पता कर चुका था, तो टायर ठीक है, एक नंबर के हैं, और बातचीत भी थी अपनी थोड़ी, तो काम वाम हो गया था हमारा सही। तो मैं गाड़ी आपको भी चला के दिखाता हूँ कि चलने के बाद गाड़ी कैसी लग रही है, और एक बार टायर का आपको सामने से व्यू दिखाता हूँ कि साइज़ का कैसा है। साइड से तो आपने देख लिया, अब सामने से दिखाता हूँ। तो भाई ये देखो पीछे से इसका कुछ ऐसा लुक आ रहा है टायर का, तो एक बार देख लो आप, और मैं स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ कि चलने के बाद कैसी लग रही है ये। गियर में डाल दे, पहले गियर में डाल दे, ये देखो चलने के बाद कुछ ऐसा नज़र आ रहा है टायर। वो गाड़ी थोड़ी गंदी है, अवॉइड कीजिएगा, ये देखो। तो अभी मैं इसको आपको अभी पीछे वाला टायर तो आपने देख लिया, और सामने का दिखा दूंगा आपको मैं। तो भाई सामने का टायर भी देखो कितना ऑसम लग रहा है ना बस। तो एक बार मैं आपको चलो इसको चला के दिखाता हूँ गाड़ी की, चलने के बाद कैसा लग रहा है ये।
तो भाई आपने देख लिया हमने किस तरह टायर को ट्रिप मार के देखी, चला के देखा कि ग्रिप दिखाई आपको कि मतलब सेटिस्फाइड हूँ मैं टायर लगवा के, क्योंकि मैं चाहता भी था कि ऐसे ही टायर लगवाऊँ अपनी गाड़ी में। तो भाई दिल खुश है टायर लगवा के। अब आपने देखा ही होगा मैंने सारे एक्सपेरिमेंट करे, चला उला के सब करे, तो मेरे साथ मेरे लाल ने भी मेरा साथ दिया, थैंक यू भाई। हाँ तो एक बात और कहनी थी आपसे कि नेक्स्ट मंथ मैं जा रहा हूँ टूर पे, तो भाई जिस भाई को भी चलना हो तो मुझे कमेंट कर देना या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर देना, तो सारे ग्रुप बना के चलेंगे। तो भाई वीडियो पूरी एंड तक देखना, और अगले महीने जहाँ मैं जा रहा हूँ बहुत ही अच्छी जगह है, और ऐसी जगह है आपको बर्फ़ मिलेगी। अगर आप बर्फ़ देखना चाहते हो या फिर ऑफ रोडिंग के शौकीन हो या पहाड़ों पर जाना आपको अच्छा लगता है तो भाई प्लीज़ ज्वाइन मी, तो मेरे साथ आप चल सकते हैं। तो वैसे तो मुझे बहुत बंदे कहते थे कि भाई मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं भी चलूँगा, तो इस बार भाई पूरा एक महीने का टाइम दे रहा हूँ, जिसको चलना है बस डीएम कर देना। तो भाई ये ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, शाम भी हो चुकी है, आप मेरे पीछे देख सकते हो कितना अंधेरा हो रहा है, आए थे दिन में जा रहे हैं रात में। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, और आपको किसी भी रिगार्डिंग बाइक से रिलेटेड या रिलेटेड कुछ भी बात करना हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। जो हमने टायर लगवाया इसके बारे में हम मुझसे बात कर सकते हैं, या फिर किसी ट्रैवल के बारे में मुझसे बात कर सकते हैं। तो फिर भाई घर चलते हैं, तो इस चैनल को इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तो जल्दी ही मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।